ये तो ये रिश्ता दो रोज से बड़े जोरों शोर से जारी है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बड़े नए मूव में और एक नए स्ट्रेटजी के साथ इस एहतजाज में शिरकत कर रही है। अगर भी ये एहतजाज तो उकसाना है मॉडल टाउन के शोधा के साथ इजहार यकीनी के लिए है और उनको इंसाफ दिलाने के लिए है, मगर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आज पूरे लाहौर में अगर हमें कुछ नजर आ रहा है तो पाकिस्तान अवामी तहरीक ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आ रही है। क्योंकि अगर बैनर की बात करें, होर्डिंग की बात करें, पोस्टर्स की बात करें, तैयारियों की बात करें और अगर हम जलसागा के इंतजाम की बात करें तो ये इस वक्त हमें जो नजर आ रहा है वो तहरीक इंसाफ नजर आ रही है। अगर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसमें शिरकत कर रही है, काफ लीग भी शिरकत कर रही है, जमात इस्लामी ने भी शिरकत का ऐलान कर दिया था कि वो भी शिरकत करेंगे, तमाम पार्टी शिरकत कर रही है। लेकिन जो हम एहतजाज देख रहे हैं आज यकीनन मुत्तहिदा ओपोजिशन का ये पहला और कड़ा इम्तिहान है। क्या वो हुकूमत को इतना प्रेशर डाल सकती है कि नहीं कि हुकूमत को मजबूर कर दे इस्तीफा देने पे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो मुत्तहिदा ओपोजिशन हमें कठी नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि इसको दो सेशन में तकसीम किया गया है। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया था और इसको इस पर इख्तलाफ किया था कि वो किसी सूरत जो है वो आसिफ अली जरदारी के साथ नहीं बैठेंगे। यही वजह थी कि कल तकरीबन कुछ 2.5 से 3 घंटे तक एक एहतजाज इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान तहरीके ठीक है, आपने जैसे कि बताया कि जो जरदारी साहब हैं उनके साथ बैठने से इमरान खान ने इनकार कर दिया था और गुज़िश्ता रोज़ भी हम ये खबरें सुनते रहे। दो सेशंस रखे गए थे जिसमें पहले में जरदारी साहब आएंगे, वो खिताब करेंगे, दूसरे में इमरान खान होंगे। तो क्या अब ये मुतफिका फैसला कर लिया गया है कि एक साथ स्टेज पर दोनों रहनुमा पहुंचेंगे, एक साथ आवाम से मुखातिब होंगे? नहीं, ये फैसला किया गया है कि पहले आसिफ अली जरदारी आएंगे और वो तकरीबन जिसके इस वक्त हम मौजूद है अवामी तहरीक सेक्रेटरिएट पर, जहाँ पर कंटेनर्स तैयार कर लिया गया है, तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और हमारी इत्तला के मुताबिक तकरीबन 1 बजे इलामा तारुल कादिर साहब यहाँ से कंटेनर पर निकलेंगे। दूसरी तरफ तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान जो पहला सेशन है उसमें आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे, जबकि 3 बजे इमरान खान एक निजी एयरलाइंस पर लाहौर आ रहे हैं, इस्लामाबाद से वो आएंगे। उनका एक अहम इजलास भी है सेक्रेटरिएट में। उजलास के बाद तो ये है कि वो तकरीबन आसिफ अली जरदारी जब अपने खिताब करने के बाद चले जाएंगे उस वक्त वो यहाँ पे आएंगे और उनका 6 बजे के करीब खिताब होगा। जो हमें एक इतला ये भी है कि अभी तक पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से एक वफद तैयार किया गया है, एक कमेटी बनाई गई है जो इस कोशिश कर रही है कि अगर इमरान खान और आसिफ अली जरदारी एक इकट्ठा खिताब नहीं कर सकते और इमरान खान अगर उनके साथ खिताब में नहीं बैठना चाहते तो एक दरख्वास्त ये की जा रही है कि कम से कम एक फोटो सेशन के लिए दोनों इकट्ठे बैठ जाएं और जब वो मीडिया फोटो सेशन कर ले और दुनिया को एक मैसेज चला जाए कि मुत्तहिदा ओपोजिशन मुत्तहिद है तो फिर बेशक आसिफ अली जरदारी या इमरान खान चले जाएं। अभी ये मुज़ाकरात अभी यहाँ पे जारी है, आप देखते हैं कि इसमें क्या नतीजा निकलता है। अभी तक इमरान खान और उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि हम आसिफ अली जरदारी को करप्शन का शहंशाह कहते रहे हैं, हम उनके साथ किसी सूरत नहीं बैठेंगे। अब इसका फैसला तकरीबन कोई आधे घंटे बाद जब ये इजलास खत्म होगा तो हो जाएगा।